भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छपे गए हैं। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन भी कम हुआ है। उनके दिनों में जो 2016 की नोटबंदी हुई थी तो उसमें बहुत सारे काला धन जगह जगह मिला करते थे, आपको भी सुनने और देखने को मिला होगा। और आज फिर पूरा यह नोटबंदी हुआ है, निश्चित तौर पे जो काले धन हैं वो कहीं ना कहीं उनको परेशानी हुई है। आम आदमी के लिए कहीं किसी का कोई परेशानी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर 16 की नोटबंदी में जो हाल हुआ था पाकिस्तान का बहुत बुरा है। आज पाकिस्तान की बात करें तो वो नोटबंदी का असर आज भी पाकिस्तान में है। आज पाकिस्तान के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार के द्वारा जो बहुत बड़े संख्या में जाली नोट जो बना दिए गए थे और वो इंडिया में उनको लाकर चलाया जा रहा था, आज उस पर विराम लगा। और निश्चित तौर पर ये नोटबंदी जो हुआ है तो उसमें जितने भी इंडिया के काले धन रखने वाले हैं उनको ये तमाचा है मोदी जी का। और वो अब जान चुके हैं कि इस सरकार में काले धन नहीं चला पाएंगे। 2000 का नोट तो वैसे भी जो लागू हुआ था, हम लोग को देखने से यही लगा कि ये बड़े व्यापारी जो बड़े लोग हैं उनके लिए फायदेमंद था, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके लिए ये 2000 का नोट एक कोई काम का नहीं था, क्योंकि उसके बाद उतना इनकम नहीं है कि 2000 का नोट लेके चलेगा। और मान ली कहीं से मिल भी गया, कहीं से कुछ काम में मिल गया कोई लेट से, तो उसको ले करके जब दुकान जाते हैं तो दुकान पर उसको कितने का सामान लेगा, 200 नहीं 500 का, 1500 रुपये रिटर्न करने में दुकानदार भी सोचता था कि हमें 2000 का नोट काम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें छोटे वर्ग के लिए तो बिल्कुल अच्छा हुआ कि बंद हुआ, और बड़े लोग के लिए ये है कि उनको उसको सेव करने में काफ़ी उन लोगों को सहूलियत होती थी। जी, जो है नोटबंदी हुआ है, इसके पहले भी नोटबंदी हुआ था, लेकिन हमारे समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी भी बोले हैं, जो बड़े बड़े नोट हैं वो बड़े बड़े जो कारोबारी हैं काला धन उसको अपने कब्जे में रख लिया है, वो कहीं भी 2000 का नोट कहीं बाजार में नहीं दिखता है। इसलिए हमारे समय से जो नोटबंदी हुआ है मैं इसका समर्थन करता हूँ कि बड़े बड़े लोग काला धन के रूप में लोग उस बड़े नोट को अपने दबा करके रखते हैं मार्केट में, कहीं प्रचलन में नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसे हम लोग कहे थे कि देश का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है, रातारात भारत में नोटबंदी लग गया। आज 6 साल नोटबंदी के होने के बाद भी पुनः फिर उस नोट को बंद किया जा रहा है। 2000 का नोट चालू हुआ और 2000 का नोट आज बंद हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जो 2000 के रुपया को संभाल नहीं सके, जितने बड़े बड़े पूंजीपति थे इसका दुरुपयोग किए, बड़ा नोट घोटाला और भ्रष्टाचार का संकेत है। किसी आदमी को घूस देना हो 2 लाख तो पॉकेट में ले जाएगा, दे देगा, पता भी नहीं चलेगा। और छोटा नोट रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, उसके अगल बगल के लोग उसके सिस्टम और उसके चरित्र को समझेंगे जी। और बड़ा नोट बाजार में चलता कम था, इनको उस समय भी हम लोग आगाह किए थे कि 2000 का नोट लाना और 1000 का बंद करना समाज हित और देश हित में नहीं थे।